नमस्कार। समाजशास्त्र की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। गत वीडियो में हमने बात करी थी समाजशास्त्र के एक महत्वपूर्ण संबोध सामाजिक समूह यानी कि सोशल ग्रुप के बारे में। सोशल ग्रुप हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी समूह से जुड़े हुए होते हैं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और उसकी अनेकों अनेक आवश्यकताएं हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो अकेले नहीं कर पाता, इसीलिए वो किसी से संपर्क में आता है और उस संपर्क में आने के कारण उससे प्रभावपूर्ण अंतर्क्रिया करता है, संचार करता है, जिससे संबंध बनते हैं और समूहों का निर्माण होता है। यूं तो बड़ी आसानी से शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन समाजशास्त्र में इसका विशिष्ट अर्थ है। इसलिए समाजशास्त्र की शब्दावली में जब तक अंतर्क्रिया ना हो, जब तक संचार ना हो, दो या दो से अधिक व्यक्ति ना हो, प्रभावपूर्ण अंतर्क्रिया ना हो, तब तक सामाजिक समूह का निर्माण हो पाना संभव नहीं होता। गत वीडियो में हमने इसी के बारे में चर्चा की थी कि समाजशास्त्र के अनुसार सामाजिक समूह क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। आज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और हम जानते हैं और बात करते हैं सामाजिक समूहों के वर्गीकरण के बारे में। जब व्यक्ति किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही किसी न किसी समूह का सदस्य बनता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके किसी समूह के सदस्य बनने के आधार भिन्न होते हैं और भिन्न आधारों के कारण ही समूहों का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न रूप में किया है। सामान्य रूप में समूहों का वर्गीकरण किन आधारों पर होता है, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। तो हम बात करते हैं प्रकार्य की, यानी फंक्शन की। किस ग्रुप से आपके द्वारा या आपका कोई प्रकार्य सिद्ध होता है, कोई कार्य सिद्ध होता है, तो आप उसका सदस्य बनते हैं। इसीलिए प्रकार्य के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किया गया। सामाजिक संबंध किस प्रकार से हैं, कहीं बहुत नजदीकी संबंध देखने को मिलते हैं, कहीं उतने नजदीकी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी संबंध है, उनके आधारों पर भी समूहों का वर्गीकरण देखने को मिलता है। सदस्यों की संख्या के आधार पर भी, यूं तो हमने कह दिया कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन अधिक भी कितने हो और कम भी कितने हो, और जितने भी सदस्य किसी समूह की सदस्य संख्या को डिसाइड करते हैं, बनाते हैं, उसके आधार पर भी सामाजिक समूहों का वर्गीकरण देखने को मिलता है। समूह में हम की भावना भी उनके वर्गीकरण का आधार बनती है। उसका स्थायित्व यानी कि कितनी देर तक उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है, कितने समय तक उसका अस्तित्व देखने को मिलता है, वो भी समूहों के वर्गीकरण का आधार बनता है और आकांक्षा भी सामाजिक समूहों के वर्गीकरण का आधार बनती है कि व्यक्ति किस आकांक्षा की पूर्ति के लिए किस समूह का सदस्य बनता है। अब हम बात करते हैं विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने कुछ निश्चित या डेफिनेट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिए हैं सोशल ग्रुप के। तो हम बात करते हैं सामाजिक समूहों के प्रकारों की, जो कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने प्रतिपादित किए हैं। सदस्यों के संख्या के आधार पर मैकाइवर और पेज ने तीन भागों में विभक्त किया है सामाजिक समूहों के प्रकारों को। सबसे पहला सीमावर्ती या क्षेत्रवर्ती या क्षेत्रीय समूह, असंगठित समूह, और तीसरा वर्गीकरण है संगठित हित समूह। उन्होंने इन तीनों के उदाहरण भी दिए हैं कि जब क्षेत्रीय समूह को हम डिफाइन करेंगे या हम परिभाषित करते हैं तो हम राष्ट्र का उदाहरण अपने ध्यान में रखेंगे, असंगठित समूह की जब बात आती है तो हम जाति का वर्गीकरण ध्यान में रखते हैं, और संगठित हित समूह की जब बात आती है तो परिवार सबसे बड़ा उदाहरण सदस्यों के आधार पर मैकाइवर और पेज द्वारा वर्गीकृत किया गया है। हम की भावना जो कि सामान्य तौर पर तो हर समूह में पाई जाती है, लेकिन ऑकबर्न और निमकॉफ कहते हैं कि जब सहयोग समूह होता है, जिसका उदाहरण उन्होंने परिवार के रूप में दिया, तो वहां पर बहुत अधिक हम की भावना देखने को मिलती है, जबकि असहयोग समूह जिसका उदाहरण उन्होंने शत्रु के रूप में दिया, वहां पर इस हम की भावना का अभाव देखने को मिलता है।
सामाजिक संबंधों के आधार पर किंग्सली डेविस ने दो समूहों की बात करी है, प्राथमिक समूह जिसका उदाहरण उन्होंने परिवार दिया है, और द्वितीयक समूह जो कि उदाहरण के रूप में वो कार्यालय समूह से जोड़ते हुए कहते हैं। और प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह बहुत बड़ा एक ऐसा वर्गीकरण है जो कि समाजशास्त्र, ना कि सिर्फ समाजशास्त्र में देखने को मिलता है, बल्कि हम सभी कहीं ना कहीं इससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। प्राथमिक समूह, नाम अपने आप में स्पष्ट कर रहा है, प्राथमिक है, हमारे जीवन में प्राइमरी पोजीशन होल्ड करता है, और द्वितीयक समूह यानी कि सेकेंडरी पोजीशन पर आता है, और इसका आधार बनते हैं सामाजिक संबंध। कूले ने भी सामाजिक संबंधों के आधार पर प्राथमिक समूह जिसका उदाहरण उन्होंने परिवार कहा, और अर्ध प्राथमिक समूह जिसका उदाहरण उन्होंने आयु और लिंग के रूप में दिया, के रूप में इसका वर्गीकरण किया। स्थायित्व के आधार पर बोटोमोर ने भी सामाजिक समूहों का वर्गीकरण किया और उन्हें तीन भागों में विभक्त किया। स्थिर समूह जिसका उदाहरण उन्होंने परिवार दिया जो कि बना रहता है, अस्थिर समूह जिसका उदाहरण उन्होंने भीड़ दिया जो कि किसी कारणवश बनती है और फिर बिखर जाती है, और अर्ध समूह जिसका उदाहरण उन्होंने सामाजिक वर्ग के रूप में दिया। हम की भावना के आधार पर समनर ने भी बहुत बखूबी, बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन को समझाया है, वर्गीकरण को समझाया है, अंतः समूह और बाह्य समूह, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। और अंतः समूह का उदाहरण उन्होंने गांव और जाति के रूप में दिया, बाह्य समूह का उदाहरण उन्होंने समझ सहयोगी समूहों के रूप में दिया। नाम अपने आप में ही बता रहा है, जहां हम जुड़े हुए महसूस करते हैं, जहां हम की भावना की प्रधानता दिखती है, वहां अंतः समूह का भाव आता है कि ये हमारा है, और जहां इस भावना की थोड़ी कमी है या यूं कहें अभाव है, तो वहां पर हम बाह्य समूह से जुड़ते हैं। प्रकार्यात्मक आधार पर गिडिंग्स और गिल ने इसे ऐच्छिक समूह और अनिवार्य समूह में विभाजित किया है। ऐच्छिक समूह स्कूल, जो कि किसी कार्य के कारण आप उससे जुड़ रहे हैं, पढ़ने के लिए ही स्कूल जा रहे हैं, वो आपका एक प्रकार्यात्मक, एक आपके जीवन की प्रकार्यात्मक आवश्यकता को पूरा कर रहा है, इसीलिए वो प्रकार्यात्मक समूह की श्रेणी में आता है। और अनिवार्य, जो कि जन्म से आपको मिलता है, यानी कि एक बार पुनः परिवार इसका उदाहरण है। और आकांक्षा के आधार पर मर्टन ने भी दो सामाजिक समूहों की बात करी है, सदस्यता समूह जो कि पुनः परिवार से जुड़ा हुआ है, और असदस्यता समूह संदर्भ समूह के रूप में, जो कि मर्टन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, हम सभी लोग जानते हैं, उसके रूप में उन्होंने परिभाषित किया है। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर सामाजिक समूहों का वर्गीकरण किया है। लेकिन अगर हम बात करें कि महत्वपूर्ण रूप से जिन समूहों की चर्चा होती है, बार बार जिन्हें दोहराया जाता है, ना सिर्फ प्रश्न पत्रों में बल्कि हमारे जीवन में, तो वहां आती है बात प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की। और हम यहाँ पर बात करेंगे अब आगे प्राथमिक समूह के बारे में, जिसको सबसे पहले प्रतिपादित किया C.H. कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 1909 में। जी हाँ, जैसे ही प्राथमिक समूह आता है, कूले का नाम खुद ब खुद उससे जुड़ जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबोध दिया है C.H. कूले ने, क्योंकि ये हम सभी के जीवन में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है। कूले ने अपनी पुस्तक में सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कहा कि प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य उस समूह से है जिसकी प्रमुख, विशेष, घनिष्ठ और सहयोगी पूर्ण भावनाएं हमें देखने को मिलती हैं। जी हाँ, उनका ये कहना था कि प्राथमिक समूह वो है जिसमें घनिष्ठ और सहयोगपूर्ण संबंध हो, आमने सामने के संबंध हो, और इन संबंधों की अभिव्यक्ति जब साकार साक्षात रूप में होती है, तभी प्राथमिक समूहों का निर्माण होता है। यानी कि इससे दो बात स्पष्ट होती है कि प्राथमिक समूह में हम की भावना होती है, और दूसरी इस समूह के सदस्यों के जो संबंध होते हैं वो आमने सामने के संबंध, जितने जुड़े हुए होते हैं वो आमने सामने ही देखने को मिलते हैं, और इन्हीं संबंधों के आधार पर ही प्राथमिक समूह का निर्माण देखने को
मिलता है। कूले के अनुसार प्राथमिक समूह के लिए हम की भावना होना बहुत जरूरी है और उनमें आमने सामने के संबंध होना बेहद जरूरी है। इस प्रकार से प्राथमिक समूह का जो सबसे सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया था वो C.H. कूले के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं प्राथमिक समूह के उदाहरणों की। तो कूले के अनुसार प्राथमिक समूह के उदाहरण उन्होंने तीन प्रमुख दिए, परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोस। यानी कि जब हम C.H. कूले की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोस वो तीन उदाहरण हैं जिससे कि प्राथमिक समूह को स्पष्ट रूप से परिभाषित या फिर एक्सप्लेन किया जा सकता है। मैकाइवर और पेज ने कुछ उदाहरणों की श्रृंखला को बढ़ाया और उन्होंने परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, साझेदारी, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह, गैंग, जनजाति परिषद, इन सबको भी सम्मिलित किया। बात यही है कि विभिन्न विद्वानों ने कुछ प्रमुख आवश्यकताओं को, कुछ प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखा और उनके आधार पर ही अपना वर्णन प्रस्तुत किया। लेकिन जब हम C.H. कूले की बात करेंगे, जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक उन सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 1909 में प्रतिपादित करते हुए कहा था, तो उन्होंने परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोस की बात करी थी। उन्होंने प्राथमिक समूह की जो विशेषताएं हैं उन्हें दो प्रमुख भागों में विभाजित किया, भौतिक विशेषताएं और आंतरिक विशेषताएं। नाम अपने आप में ही स्पष्ट है, भौतिक विशेषताएं जब है, जब हम भौतिक विशेषताओं की बात करते हैं तो वो है जो हमें दिखाई दे रही हैं, और आंतरिक विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो नाम अपने आप में स्पष्ट है कि वो उस समूह में देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक विशेषताओं की। जब प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताओं की बात आती है तो सबसे पहली उसकी विशेषता है जो भौतिक रूप से हमें देखने को मिलती है, फिजिकली वी कैन सी, दैट इज शारीरिक समीपता, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। प्राथमिक समूह का सबसे पहला उदाहरण जो कि C.H. कूले ने भी दिया और मैकाइवर और पेज ने भी कहा, वो दिया उन्होंने परिवार। और अगर आप परिवार की विशेषताओं को ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए सामाजिक समूह का ये जो वर्गीकरण है प्राथमिक समूह, उसे समझना भी सरल होगा और उसको उतारना भी जीवन में सरल होगा, क्योंकि परिवार ही वो सबसे पहला प्राथमिक समूह है जिसके संपर्क में एक बालक आता है और हम ताउम्र उससे जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए वो हमारे जीवन में बहुत प्राइमरी पोजीशन होल्ड करता है, बहुत ही प्राथमिक उसका स्थान रहता है। समाजीकरण में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, नियंत्रण में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसीलिए सबसे पहले अगर हम विशेषता की भी बात करते हैं तो वो विशेषता है शारीरिक समीपता। अगर हम परिवार का उदाहरण दिमाग में रखें तो प्राथमिक समूह के लिए हम उनसे फिजिकली, अपने फैमिली मेंबर से फिजिकली क्लोज होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उनके संपर्क में होते हैं, उनसे दूर नहीं होते हैं, चूंकि उनके सामने होते हैं इसलिए हम उनसे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। साथ ही समूह का लघु आकार भी एक भौतिक विशेषता के रूप में कहा गया है कि जब समूह का आकार छोटा है, साइज ऑफ ग्रुप जो है वो लिमिटेड है, तो आपके दूसरे व्यक्ति से संबंध फिजिकली क्लोज होंगे, यानी कि आप उससे डेली मिल सकेंगे, हर पल उससे बात कर सकेंगे, उसके सामने रहेंगे, आपकी गतिविधियां उसके संग होंगी और उससे प्रभावित होंगी। और तीसरा है संबंधों की अवधि लंबी होगी। प्राथमिक समूह में जब हम परिवार की बात करें या क्रीड़ा समूह की बात करें, पड़ोस भी एक लंबे समय तक असर रखता है, लेकिन ठीक है, आज के दौर में जब हम दूसरा स्थान पर चले जाते हैं तब भी संबंध नहीं छूटते हैं, भले ही फिजिकली हम उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो संबंधों की अवधि है वो प्राथमिक समूहों की बहुत लंबी होती है, इसलिए उनकी यादें बहुत लंबी होती हैं, वो साथ बहुत लंबा होता है। और जब हम आंतरिक विशेषताओं की बात करते हैं सामाजिक समूह की, तो सबसे पहली विशेषता हमें देखने को मिलती है वो है उद्देश्यों की समानता। चूंकि किसी निश्चित उद्देश्य के कारण ही प्राथमिक समूहों का निर्माण हुआ है,
जैसे अगर हम बात करते हैं परिवार की भी, तो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसमें, हमारा समाजीकरण होता है उसमें, सुख दुख हम मिलकर के बांटते हैं, हमें ये हर समय आभास रहता है कि हमारे संग कोई है जो कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो इस तरीके से एक उद्देश्य की समानता रहती है, और इस समानता के कारण ही वहां पर ज्यादा रिलेशनशिप्स में क्लोजनेस देखने को मिलती है। संबंध स्वयं में साध्य होते हैं, यानी कि आपको उसके लिए भटकना नहीं पड़ता है, आपको पता है कि आपका कार्य किससे है, और उससे वो आपका कार्य पूरा भी होता है और आप उससे सीखते भी हैं। इसलिए वो जो संबंध बनता है वो स्वयं में साध्य होता है। संबंध व्यक्तिगत होते हैं, यानी कि आपके रिलेशन दूसरे के संग पर्सनल रिलेशंस हैं, आप उससे बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, अपनी बात उसे बता पा रहे हैं, उसकी बात सुन पा रहे हैं, अपनी समस्या का समाधान ढूंढ पा रहे हैं, ये सब प्राथमिक समूह में संभव हो पाता है। संबंध संपूर्ण होते हैं, आपको उसमें दूसरे की गुंजाइश नहीं होती है, हर संबंध अपने आप में पूर्ण है जो कि प्राथमिक समूह से जुड़ा हुआ है। उदाहरण अगर हम परिवार की बात करते हैं, तो माँ अपने आप में है, पिताश्री अपने आप में है, भाई बहन का रिश्ता अपने आप में संपूर्ण होता है, लेकिन इन सबको मिलकर के जो परिवार की संपूर्णता होती है, वही व्यक्ति के व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाने में सहायक सिद्ध होती है, और संबंधों में नियंत्रण शक्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहला सोशल कंट्रोल की जब बात आती है, तो वो हमें हमारे परिवार से, हमारे प्राथमिक समूह से ही मिलती है। इसलिए इन भौतिक और आंतरिक विशेषताओं के आधार पर ही एक समूह को प्राथमिक समूह कहा जाता है, और इसी कारण से ये हम सभी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्राथमिक समूहों का हमारे व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण स्थान तो है ही, लेकिन सामाजिक जीवन में भी इसका जो महत्वपूर्ण स्थान है, अब हम उसकी बात करते हैं कि इसके द्वारा सामाजिक गुणों का विकास संभव हो पाता है। चाहे आप परिवार की बात करें, चाहे आप पड़ोस की बात करें, या आप मित्र मंडली की बात करें, हम उनके बीच में रह करके सामाजिक गुणों को सीखते हैं। अपनी बात को कैसे प्रस्तुत करना है, सही बात को किस ढंग से आगे लाना है, उसका समर्थन करना है, उसके लिए सहयोग प्राप्त करना है, और हर वो कार्य करना है जो कि समाज उपयोगी हो, ये बातें हम एक प्राथमिक समूह से जुड़ करके ही सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक है। किस प्रकार से? क्योंकि जब आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो कि समाज उपयोगी नहीं है, जिससे कि समाज की या घर की भी या मित्र मंडली की भी या पड़ोस की भी जो एक व्यवस्था बनी हुई है वो डगमगाने लगती है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता है, उसे रोका जाता है, उसे टोका जाता है, उसे मना किया जाता है। अपने आप बालक इन सब बातों को धीरे धीरे सीखता है, स्वीकार करता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता जाता है, वो इन सब बातों को अपने जीवन में आत्मसात करने लगता है और पहचान जाता है कि उसके द्वारा कौन सा कार्य करना समाज में स्वीकृत होगा और कौन सा उसके द्वारा किया गया समाज में स्वीकृति प्राप्त नहीं करेगा। इससे मनोवैज्ञानिक प्रतिमानों के विकास में भी सहयोग होता है। आपको पहले से समझ आती, क्योंकि हम सब समाज में रह रहे हैं, सामाजिक व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं पूर्ण कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, तो इस सहयोग की प्रक्रिया में एक साइकोलॉजिकल जो प्रतिमान है, मनोवैज्ञानिक प्रतिमान है, उनका भी विकास होता है, और हम में सहयोग, सद्भावना, सहिष्णुता जैसे गुणों का विकास होता है। कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि हम सीखते हैं कि हमको काम को पूरा कैसे करना है, लोगों को सहयोग कैसे करना है, ना कि काम में रुकावट पैदा करनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज अगर हमारे द्वारा गलत होगी तो घूम फिर करके वो हमें ही प्रभावित करेगी। इसीलिए एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हम प्राथमिक समूहों से जुड़ करके ही ये सीखते हैं कि किस प्रकार से कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया जाए, अच्छे से संपन्न किया जाए और शीघ्र संपन्न किया जाए, जिससे कार्य क्षमता में वृद्धि देखने को मिलती है। ये व्यक्ति और समाज के बीच में कड़ी का काम करता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपना कार्य समाज में संभव कर
कर सकता है, सफल कर सकता है। और समाज बिना व्यक्ति के संपन्न नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए प्राथमिक समूह ही व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी बनता है, उन मूल्यों को सिखाता है, उन बातों को सिखाता है प्राथमिक समूह, जिससे कि समाज में व्यक्ति के द्वारा किया गया योगदान सराहा जाए। ये पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब एक बालक जन्म लेता है तब ना तो वो सामाजिक होता है, ना गैर सामाजिक होता है, ना असामाजिक होता है। वो अपने मूल संवेगों के संग आता है और धीरे धीरे उन संवेगों को परिमार्जित किया जाता है, परिष्कृत गुणों के संग किया जाता है। तो इससे जो पशु प्रवृत्तियां होती हैं उनका मानवीकरण होता है और व्यक्ति अपनी उन इंस्टिंक्ट्स को रोकता है, कंट्रोल करता है, जो कि समाज में उपयोगी सिद्ध नहीं होती हैं। और इसी के द्वारा ही वो गुणों को सीखता है, यानी कि संस्कृति का हस्तांतरण संभव हो पाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परिवार के द्वारा, पड़ोस के द्वारा, मित्र मंडली के द्वारा वो गुण हस्तांतरित होते हैं, जो अगली पीढ़ी के लिए भी उतने ही लाभकारी होते हैं गत पीढ़ी के लिए जितने होते हैं। और साथ ही साथ कुछ नई चीज़ें भी एड ऑन होती जाती हैं, जो कि धीरे धीरे नई पीढ़ी तक जाती हैं और उसके बाद फिर नई पीढ़ी तक पहुंचती हैं। और इसी तरीके से मनोरंजन होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, सहयोग होता है, सद्भावना होती है और एक ऐसा मानव बनकर के समाज में व्यक्ति आता है जिसका होना समाज के लिए एक हितकारी रूप में दिखाई देता है। यानी कि वो सामाजिक सदस्य, समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है, उन प्राथमिक गुणों के संग लवरेज रहता है, जो कि जहाँ पाया जाता है, जिनके बीच रहता है, वहाँ पर सहयोगपूर्ण वातावरण बनाता है और समाज में सुख और शांति को बनाए रखने में अपने कार्यों के द्वारा सहयोग करता है। धन्यवाद।